चिकित्सा सूर्य चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार रोग का का कारण शरीर में रंगों का घटना बढ़ना है। सूर्य किरण चिकित्सा के अनुसार अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं लाल रंग उत्तेजना और नीला रंग शक्ति पैदा करता है इन रंगों का लाभ लेने के लिए रंगीन बोतलों में आठ नौ घंटे तक पानी रखकर उसका सेवन किया जाता है मानव शरीर रासायनिक तत्वों का बना है रंग एक रासायनिक मिश्रण है जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है शरीर का रंग उसी तरह का होता है जैसे त्वचा का रंग गेहूं केश का रंग काला और नेत्रों के गोलक का रंग सफेद होता है शरीर में रंग विशेष के घटने बढ़ने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी का लक्षण है सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा जो लोग अपने घर को चारों तरफ से खिड़कियों को बंद करके रखते हैं और सूर्य के प्रकाश को घर में घुसने नहीं देते वे लोग सदा रोगी बने रहते हैं जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां रोग के कीटाणु स्वतः मर जाते हैं और रोगों का जन्म ही नहीं हो पाता सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों की वर्षा करता है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं शरीर को कुछ क्षणों में झुलसा देने वाली गर्मियों की प्रचंड धूप से भले ही व्यक्ति स्वस्थ होने की बजाय उल्टे बीमार पड़ जाए लेकिन प्राचीन ग्रंथ वेद में सवेरे धूप स्नान हृदय को स्वस्थ रखने का कारगर तरीका बताया गया है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रश्मियों का सेवन करता है उसे हृदय रोग कभी नहीं होता सूर्य पृथ्वी पर स्थित रोगाणुओं कृमियों को नष्ट करके प्रतिदिन रश्मियों का सेवन करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु भी प्रदान करता है सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथार्य वेद के एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है किंतु ज्यादातर लोग अज्ञानवश अंधेरे स्थानों में रहते हैं और सूर्य की शक्ति से लाभ नहीं उठाते अथर्व वेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोगों तथा पीलिया के रोग में लाभ होता है प्राकृतिक चिकित्सा में आंतरिक रोगों को ठीक करने के लिए भी नंगे बदन सूर्य स्नान कराया जाता है आजकल जो बच्चे पैदा होते ही पीलिया रोग के शिकार हो जाते हैं उन्हें सूर्योदय के समय सूर्य किरणों में लिटाया जाता है जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से उनके शरीर के पिगमेंट सेल्स पर रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बीमारी में लाभ होता है डॉक्टर भी नर्सरी में कृत्रिम अल्ट्रा किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर भी करते हैं वेदों में सूर्य पूजा का महत्व तो है प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य शक्ति प्राप्त करके प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का संदेश था ओम सूर्याय can dramatically affect our health inner harmony and even our emotions and we acknowledge this fact in our speech every day when we say your meridians in the skin can absorb and transmit colored light inside the body it itself involves the application of colored light to the skin with an instrument that resembles a simple penlight unlike acupuncture it does not use needles or pierce the skin Rather, the color is infused into the meridians where it is channeled to where it is needed in the body and mind. A Mandel then developed a method of finding which conditions in the Kirlian photo corresponded to which symptoms his patients were presenting in his clinic, and by applying the color light points that affected those conditions, brought them into balance. The method is called color puncture, and the treatment of photography uses a high-frequency electrostatic field to change the bioenergy of the organic matter related to the acupuncture meridians has been verified in thousands of hours of clinical research a map of the body's energetic conditions was developed and is used to determine what colored puncture treatments are needed